जय माता विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण चार में भणवाना छे हिंदी। आपणो चेप्टर नंबर छे 10 बाल वार्ता, बाल कहानी। बराबर, बाल कहानी में हम पढ़ेंगे आज। इसके पहले हमने दो कहानी आगे पढ़ ली है। हम आज हम पढ़ेंगे तीसरी कहानी, एकता में है बल। तो एकता में बल है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपकी आइडल बुक में पेज नंबर 31 पर एक अच्छी सी कहानी है, बच्चों ध्यान से देखना, मैं सुना रही हूँ। एक गांव था, उसमें एक किसान रहते थे। एक गांव में एक किसान रहते थे, उसका नाम करसन था। उनकी खेती अच्छी थी। उसके पास हॉल, गाड़ी, सब कुछ था। उनके चार बेटे थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर करसन बहुत परेशान रहते थे। बराबर, उन्होंने चारों को बहुत समझाया, मनाया, परंतु उनका लड़ना झगड़ना बंद नहीं हुआ। अब आगे देखेंगे। तो एक गांव था, उसमें किसान रहता था, उसका नाम क्या था, करसन था। उसके खेती अच्छी थी, उसके पास चार हल, गाड़ी, सब कुछ था। और उनके चार बेटे थे, वो बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये देखकर करसन बहुत ही परेशान रहते थे। उन्होंने चारों को बहुत समझाया, मनाया, लेकिन वो लड़ते झगड़ते ही रहते थे। एक बार करसन बीमार हो गया। बराबर, क्या हुआ, ईशानी करसन भाई बीमार हो गए। एक बार करसन बीमार हो गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। बराबर, बेटों ने लड़ना झगड़ना अभी तक बंद नहीं किया था। उन्हें समझाने के लिए चतुर किसान ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। नौकर से लकड़ियों की गठरी मंगवाई, फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों को एक एक लकड़ी दे दी। बेटे कुछ समझ न पाए, लकड़ी हाथ में लेकर सब खड़े रहे थे। बराबर, पिता ने कहा, अब अपनी अपनी लकड़ियाँ तोड़ दो, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहकर सबने लकड़ी तोड़ डाली। पिता ने कहा, शाबाश। फिर बड़े लड़के के हाथ में तीन चार लकड़ियाँ की गठरी पकड़ाई, कहा, लो बेटे उसे तोड़ डालो। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, परंतु तोड़ न पाए। फिर दूसरे बेटे को तोड़ने को कहा, परंतु वह भी तोड़ ना पाया। इस तरह चारों बेटों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ियों का गट्ठर तोड़ ना सका। तो इस तरह से परेशान किसान जब बीमार होके खटिया में चारपाई में वो अभी चार पाई पकड़ ली उन्होंने, तो अभी क्या होगा, तो उन्हें चिंता होती है बच्चों की, बेटे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो आगे मेरी खेती कौन संभालेगा। तो उन्होंने एक तरकीब ढूंढी। उन्होंने क्या किया, नौकर से लकड़ियों की गठरी मंगवाई और चारों बेटों को एक एक लकड़ियाँ दी और कहा कि इसे तोड़ो। फिर क्या हुआ, फिर नौकर के गठरिया की नौकर ने जो लकड़ियों की गठरी लाई थी उनमें से पहले तो एक एक लकड़ी चारों बेटों को दी और कहा कि इसे तोड़ डालो। बेटों ने कहा, उसमें कोई नई बात थोड़ी है, उन्होंने आसानी से तोड़ डाली। फिर क्या हुआ, फिर किसान ने सब बेटों को तीन तीन चार लकड़ियाँ पकड़ाई और कहा कि अभी इसे तोड़ो, लेकिन उन्होंने चारों बेटों ने बड़ी ही कोशिश की, फिर भी वो तोड़ ना पाए। फिर क्या होता है, फिर कोई भी तोड़ ना पाया। फिर बेटे ने बेटे को समझ में आ गया कि उनके पिताजी क्या कहना चाहते हैं। तो हमें उनसे सबक मिलता है। देखो क्या सबक मिलता है, तो पिता ने उनको सबक सिखाने के लिए जो लकड़ियों की गठरी दी थी वो चारों बेटों ने न तोड़ सके, इसलिए फिर वो समझ गए। हम जो पिता क्या कहते, देखो बेटे पिता की बात समझ गए। सबने पिता के पैर पकड़ कर कसम ली कि अब वो कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं और मिलजुल के ही रहेंगे। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि चारों बेटों के एकता में बल को समझ गए थे। फिर
उनके पापा ने जो उन्हें सबक सिखाने के लिए जो लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया था, तो समझ गए कि हम अगर मिलजुल के रहेंगे तो हर काम आसान हो जाएगा। और कसम खाते और कहते कि आज के बाद हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, सब मिलजुल के ही रहेंगे। तो हम इस कहानी के आधार पर प्रश्न के उत्तर देखेंगे। कर्सन के कितने बेटे थे? कर्सन के 4 बेटे थे। कर्सन क्यों परेशान रहते थे? चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते, यह देखकर कर्सन परेशान रहते थे। कर्सन ने अपने चारों बेटों को पास क्यों बुलाया? सबक सिखाने के लिए कर्सन ने चारों बेटों को पास में बुलाया। सबके हाथ में कर्सन ने क्या पकड़ाया? सबके हाथ में कर्सन ने लकड़ियों की गठरी पकड़ाई, बराबर। तो यहाँ लग जाओ लकड़ियों की गठरी पकड़ाई, बराबर। आगर छे, क्यों? क्या बेटे लकड़ियों की गठरी को तोड़ पाए? नहीं बेटे, लकड़ियों की गठरी को तोड़ ना पाए। इस तरह आज हमने एक कहानी पढ़ी है, उसके प्रश्न के उत्तर भी याद रखने हैं। अब हमने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर हमारा 10 था, बाल कहानी में हम 3 कहानी पढ़ चुके हैं। पहली थी चतुर खरगोश, दूसरी कहानी थी चींटी और कबूतर, और तीसरी कहानी है एकता में बल। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे पूरा करते हैं। अगली बार मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ये कहानी को याद रखना और आप हमारे आइडल बुक में हमें पूरा करना है। अगली बार हम चैप्टर नंबर 11 के साथ फिर मिलेंगे।